बालोद जिले की स्व सहायता समूह की महिला कमांडो ने नया वर्ष अनोखे अंदाज में मनाया। इन महिलाओं ने विश्व शांति की कामना के साथ दीप जलाकर नए साल का स्वागत किया। बालोद जिले के गुंडरदेही में इन महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस वर्ष हमारी महिला कमांडो, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा एक नए थीम को लेके हम लोग काम करें, क्योंकि महामारी लगी हुई है, लॉकडाउन कोविड, तो इसको देखते हुए हमारी बहनों ने संकल्प लिया है आज कि शिक्षा दीप तो जलाते ही हम लोग शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, उसके अलावा कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन्होंने आज संकल्प लिया है। और कोरोना से यदि हम मुक्त हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी बहनें और अच्छे से काम कर पाएंगी। इसी थीम को लेके हम लोगों ने आज शिक्षा दीप जलाया है और ये हमारी समिति का 22वां वर्ष है। 22 वर्ष से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और गांव-गांव में शाम को दीपावली की तरह दिए जगमगाएंगे। सिर्फ बालोद जिले में ही नहीं, वरना छत्तीसगढ़ के 14 जिले में दीप जगमगाएंगे। और मैं बहनों से यही चाहूँगी कि हमारी बहनें जो निस्वार्थ रूप से सेवा कर रही हैं और नए वर्ष में उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको वो पूरा करने में तन मन से जुड़ जाएंगी, और आने वाले समय में आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनके जीवन को संवारेंगी। ये श्रीमती शमशाद बेगम जो पद्मश्री से नवाजी गई हैं और उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और बाकी जो उनके साथी महिला कमांडोज हैं उनके जो विचारधाराएँ हैं वो बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। और इस वर्ष उनका जो कोरोना से मुक्ति, स्वरोजगार और स्वच्छता, शिक्षा की बात इन लोगों ने जो संकल्प लिया है ये निसंदेह है पूरे बालोद नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो कमांडो काम कर रहे हैं इनसे पूरे समाज को एक नई दशा और दिशा मिलेगी, ताकि लोग उस दिशा में जाने और ये सबसे जो अभी महामारी चल रही है उनसे मुक्ति मिले। और पहले भी इनके द्वारा जो काम किया गया है वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं हृदय से सभी को, खासकर शमशाद बेगम मैडम को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं और उनके सभी साथियों को और भी ज़्यादा, कि वो जो गांव-गांव में रह करके और निस्वार्थ भाव से जो काम कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि और भी ये अच्छा काम करेंगे और एक समाज को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे।